वेलकम बैक टू माई चैनल नमाज 2104। तो आज हम लोग जा रहे हैं चूर चूर नान खाने पहाड़गंज। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर चूर चूर नान मिलती है पहाड़गंज में, और बड़ी मस्त मिलती है यार। मैंने तो देखो बहुत बार खाई है, लेकिन आज मेरी वाइफ और भाई इन लोगों को ना बिना मतलब मैं ये वीकेंड पे यार खर्चा करवाते रहते हैं, तो मेरा जो है ना बिना मतलब का खर्चा है। मैंने तो खाई हुई है, मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं आ भी गया। अगर वो पसंद नहीं होती तो मैं आता भी नहीं, है ना। तो अब हम लोग जा रहे हैं, चलो आपको दिखाता हूँ रास्ते। और यार आज लेकिन ना बड़ा जाम है, वो कितना जाम है सड़क पे। मतलब अभी हमें ईस्ट दिल्ली से पहाड़गंज जाना है। अभी हम निकले हैं 7:40 पे शाम के टाइम, और देखो पूरे में ना जाम हो रखा है। अब हम जब तक पहुंचेंगे हमें ये भी नहीं पता कि वहां पर ना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ये देखो ये है मंदिर, यहाँ का गुफा वाला मंदिर कहते हैं इसे हम लोग। ये प्रीतिहार में अवेलेबल है, आप लोग आ सकते हो। और मस्त जगह एकदम, यहाँ पर ना बहुत ऊँचे ऊँचे भगवान जी इन्होंने पहाड़ काट के बनाए हुए हैं। तो मतलब यहाँ पर ना चट्टान काट के बनाए हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से मूर्ति ला के जो है बनाए हैं। ये पूरा जो है प्रॉपर चट्टान काट के यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये रोड सीधा जाता है शाहदरा। अब हम मुड़ेंगे गीता कॉलोनी वाले कट पे, फिर चलते हैं गीता कॉलोनी के लिए। देखो ये जो है ना, मैं हूँ अभी गीता कॉलोनी वाले पुल पे। तो जो लोग ईस्ट दिल्ली से नहीं हैं या जिन लोगों को नहीं पता है इधर के बारे में, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रास्ता है ना गीता कॉलोनी का जो बना हुआ है, ये जो पूरा रास्ता है ये बना हुआ है आपका नाले के ऊपर। मतलब एक नाला जा रहा था पहले यहाँ से, तो रोड वगैरह जो है बहुत बेकार से ही थे, बने हुए थे पहले भी बट इतना अच्छा नहीं बना था। तो ये जो पूरा रोड का जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये उसी के ऊपर हुआ हुआ है। और यहाँ पे अब चित्रा विहार, डिफेंस एनक्लेव और बलदेव पार्क भी है आसपास में। तो यहाँ से आप लेफ्ट लोगे तो आप पहुँच जाओगे प्रीतिहार मेट्रो स्टेशन। सीधे जाओगे तो SDM ऑफिस भी आता है आगे, बहुत पुराना ऑफिस है SDM का यहाँ पर। तो चलो अभी रास्ते में आपको सब कुछ दिखाते हुए चलूँगा, ठीक है। बाकी यार देखो मेरे साथ कौन है, हाँ ये दो जने पीछे लंगूर बैठे हैं, लेकिन ये जो है ना ये तो ठीक है, फिर भी ये तो ऐसे बैठा हुआ है जैसे पता नहीं कोई लेके भाग गया इसको, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा बैठा हूं। और ये देखो ये भी ऐसे ही है, तो चलता रहेगा ये तो ऐसे ही। इसको ये मेरी वाइफ है, इसको तो आप लोगों ने तब भी देखा था जब हम लोग पुणे महाराष्ट्र में घूम रहे थे भीमा शंकर वगैरह, और अभी शादी में गए थे तब भी आप लोगों ने देखा होगा इसको, तो है ना। तो चलो अब बाकी हम चल रहे हैं आज चूर चूर नान खा के, फिर आपको बताता हूँ इसका टेस्ट। और इन लोगों से भी रिव्यू दिलवाऊंगा आपको, मैं अकेला दूंगा तो हो सकता है गलत दे दूँ, इन लोगों से भी दिलवाऊंगा। तो यार एक्चुअल में क्या हुआ ना, हम लोग लक्ष्मी नगर वाले रोड से आ रहे थे, बट फिर वहाँ पर जाम ज़्यादा था तो हमने गीता कॉलोनी ले लिया था, आपको पता ही है। फिर हम लोग जो है फिर यहाँ पहुँच गए हैं लाल किले। अब हम जा रहे हैं वापस अपोजिट साइड राजघाट के लिए। तो आप वैसे ITO से राइट लेके भी राजघाट के लिए इधर आ सकते हो, और यहाँ से फिर लेफ्ट ले सकते हो। और अगर आप इधर से आओगे गीता कॉलोनी वाले पुल से होते हुए, तो आपको आगे जाके लेफ्ट लेना पड़ेगा, फिर देन रेड लाइट जो आती है उससे राइट लेना पड़ेगा, ताकि आप आ जाओगे अजमेरी गेट वाले रोड पे।
जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा होगा कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी है, और उसके आगे जाओगे तो LNJP हॉस्पिटल है। LNJP बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यार, रात की बात बताऊँ मेरा ना बर्थ भी वहीं होता है।